मुंबई के गोरे गांव इलाके में पत्रा चावल रिडेवलपमेंट का प्लान जो है आज पूरा जो है राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन वास्तव में इसकी हकीकत क्या है, कितने लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, इस पर बात करने के लिए वो लोग मेरे साथ हैं पत्रा चावल के, जिनका वहाँ पर घर था और जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं पंकज दलवी जी। पंकज जी, ये जो पूरा मामला है आज इतना बड़ा पूरी देश में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन वास्तव में इसमें जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनको घर मिलना था, आज जो वो दरबदर हैं, किस तरह से आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कितना बड़ा ये मामला है? ये मामला तो बहुत बड़ा है, आप देखते हो कितना राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, लेकिन राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ घर भाड़ा और जो ट्राइपार्टी एग्रीमेंट में हमें कमिटमेंट दी गई थी उसी से लेना देना है। किसको गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके ऊपर आरोप हो रहे, कौन राजनीति कर रहा है, कौन सरकार है, इससे हमें असल में लेना देना नहीं है। और हम इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल है। हम हमारे अस्तित्व के ऊपर आप अगर राजनीति करना चाहते हो तो आपके पास वो चीज़ रखो, हमें सिर्फ घर दो, भाड़ा दो, और घर के साथ हमें जो कमिटमेंट की गई है वो दो। हमारा गुस्सा जो है वो माड़ा पे है, माड़ा ने हमें अभी तक फंसाया है, माड़ा के अधिकारियों ने हमें फंसाया है, माड़ा के अधिकारियों की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है। इस प्रोजेक्ट में माड़ा के अधिकारियों ने गलतियाँ की है। आज प्रोजेक्ट अगर 14 साल रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है कि माड़ा के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने अपनी तरफ से, माड़ा के अधिकारियों ने अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो करके क्या किया वो आप देखो, लेकिन अपनी अपनी चीज़ें करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। लेकिन आज भी यहाँ के लोग फंसे हुए हैं, आज भी यहाँ के लोग पैसे के लिए, भाड़े के लिए दर दर भटक रहे हैं, घर के लिए भटक रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी सुकून की बात है कि घर का काम शुरू हुआ है, लेकिन वो पूरा होगा नहीं होगा, सरकारें बदलती रहेगी, आपस में झगड़ते रहेंगे, इसलिए हमें आज भी डर है कि अब शुरू हुआ हुआ काम पूरा होगा कि नहीं। यहाँ की जो कमेटी है, सिद्धार्थ नगर गृह निर्माण संस्था, उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि उसके जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, माड़ा के अधिकारियों को ज़मीन पर लाने का काम इस समिति ने किया है। पहले ये संघर्ष समिति थी, वो सुन नहीं रहे थे, आज उनको उन्होंने ज़मीन पर लाने का काम किया है। आज जो कुछ हो रहा है वो संघर्ष समिति पूर्व की थी। आज जो गृह निर्माण संस्था, इसके अध्यक्ष राजेश दलवी जी है, सेक्रेटरी मकरंद परब जी है, पूरी कमेटी है वो लड़ रही है। मैं भी उस कमेटी का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, हम लोग पूरे लड़ रहे हैं। पंकज, इसमें मैं अगर टेक्निकल थोड़ा सा जानना चाहूँ कि ये कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था और जिसमें करीब 670 लोगों का जो घर फंसा हुआ है वो कितने एरिया में बनना था और आज जो है सब लोग जो है अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं इतने सालों से। 672 फैमिली है और यहाँ की जॉइंट फैमिली सिस्टम में यहाँ पे काफ़ी लोग रहा करते थे, मतलब पिताजी, उनके भाई, उनके दो चार बच्चे। अभी वो जनरेशन चलेगी, उसके बाद उनके बच्चों की दो तीन पीढ़ियाँ है वो एक साथ में रह रही है। आप अगर महज देखने जाओगे तो छोटी सी छोटी फैमिली वो 4 से 5 लोगों की है यहाँ पे, उससे ज़्यादा है, लेकिन छोटी सी छोटी फैमिली 4 से 5 लोगों की है। आप गिनती करो, 672 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,500 से 4,000 लोग यहाँ पे जो घर के लिए दर दर भटक रहे हैं। और पूरा हिस्सा अगर बताना जाए तो 48 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से 13 एकड़ 8 घंटे बीघे ज़मीन जो है वो माड़ा ने सोसाइटी को, सिद्धार्थ नगर निर्माण संस्था को रीडेवलपमेंट के लिए दी थी, और उसमें भी माड़ा के अधिकारियों ने और उस वक्त की सोसाइटी के कार्यकारिणी ने, उस वक्त सोसाइटी में जो लोग थे, 27 साल से उन्होंने राज किया, उन लोगों ने यहाँ पे भ्रष्टाचार करके, ये प्रूव हो चुका है, ईडी की उनकी इंक्वायरी चालू है, उन्होंने भ्रष्टाचार करके सिर्फ 4.5 एकड़ में 672 लोगों को घर दिया है। मतलब इतना इसमें भ्रष्टाचार है। आज 672 फैमिली आस लगा के बैठी है कि घर कब मिलेगा, माड़ा के अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, आज भी वो ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपने फायदे की बात देख रहे। पत्राचार के लोग मीटिंग करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं होता। हम लोग रोज कह रहे हैं कि एग्रीमेंट बनाओ, आज माड़ा बना रही है तो कौन बना रहा है, माड़ा बना रही है, किसके लिए बना रही है, पत्राचार के लोगों के लिए बना रही है, कैसे बनाई है। जानना चाहूँगी, यहाँ देख रहा हूँ कि मैं इधर बिल्डिंग का काम एकदम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इधर बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मैं अगर मैं देखूँ तो ये 47 एकड़ में ये सब कुछ नजर आ रहा है। मेरा जवाब आप ही ने दे दिया है, अभी अलग कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखो, आप यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, काम शुरू है, आप देखते हो आधा प्लास्टर किया हुआ है कहीं पे, उसके ऊपर मॉइस्चर आ गया है, वहाँ पे आधी अधूरी लिफ्ट है, कहीं पे वो परात बांधी हुई है। ये सिद्धार्थ नगर के रहवासियों की चीज़, अभी आपको दिखाऊंगा, ये चीज़ें दिखाओ, यहाँ पे आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे पोडियम तैयार है, पार्किंग तैयार है, चकाचक यहाँ पे आउटर साइड किया गया है। ये प्राइवेट बिल्डर की जगह है और इस बिल्डर ने यहाँ पे आके हमारी जगह पे हमें बेघर करके यहाँ पे अपना बसेरा बसा लिया है, अपना डेरा यहाँ पे जमा लिया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ की सोसाइटी जिम्मेदार है, तो उस वक्त के माड़ा के अधिकारी जिम्मेदार है। उन्होंने जैसे आप देखो कि
परमिशन जो मिलती है वो रेशियो के हिसाब से मिलती है। रिहाब का पोर्शन जितना होता है उतना ही उस हिसाब से सेलेबल कंपोनेंट के लिए परमिशन मिलती है। जहाँ पे रिहाब का 40% भी काम नहीं हुआ था उस जगह पे उन्होंने 87% काम करने का गलत रिपोर्ट दिया, उस मामले में एक अधिकारी को निलंबित भी किया गया था और इधर उस हिसाब से उन्हें ऑर्डर मिली और इनका 30-30 माले के 6-6 9-9 टावर तैयार हो गए और हमारा 3 माले नहीं हुआ है। आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आज ये सब पत्राचल के साथी है मेरे साथ भी, मैं बात करता हूँ सब। कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है, 2008-07 से ये जो है प्रोजेक्ट शुरू होना था लेकिन जो है आज तक आप लोगों को घर नहीं मिला। कितनी जो है परिवार को पालने में रहने में लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही है क्योंकि घर नहीं मिलने से हम भाड़े के घर में रह रहे हैं। आज भाड़े के घर में रहने वाले लोगों को आज गोरेगांव की जैसे जगह पे 30,000 रुपया 1 BHK को देना पड़ता है और हम दो परिवार है, दो परिवार 30,000 में एक घर में नहीं रह सकते। इसलिए हम विरार साइड, वसई साइड, ये साइड गए हमारे टेनेंट लोग सब। कम से कम बहुत सारे टेनेंट लोग मुंबई गोरेगांव छोड़ के गए क्योंकि भाड़ा नहीं परवड़ रहा है और भाड़ा नहीं देंगे तो ही हमको जमने वाला है क्योंकि आज 5 साल से रेंट नहीं है। लोगों ने कम से कम अपना घर का सोना सब दागिना सब मॉर्गेज रख के आज घर चला रहे सब। कितनी बड़ी दिक्कत है भाई साहब आप लोगों के सामने सालों से। देखिए गए 5-6 साल से भाड़ा बंद है, भाड़ा भरने की तो दिक्कत है ही है लेकिन उसकी वजह से क्या है कि ऐसे ऐसी कटौतियाँ करनी पड़ती है कि किसी किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहे, बीमारियाँ हैं तो अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे, परिवार जो 5-5-6 जन का परिवार है वो यहाँ पर अगर पाल नहीं सकते तो आधे जन को गाँव में रखा हुआ है और घर का जो आदमी रहता है वो यहाँ पर भाड़े से रह के काम करता है, गाँव में पैसे बेचता है। ये किसकी वजह से हुआ? हमने हमारे घर छोड़े, विश्वास के ऊपर छोड़े, इसकी वजह से ही हुआ ना। और विश्वास उन्होंने तोड़ दिया, ये कंस्ट्रक्शन भी रुका और भाड़ा भी रुका, भाड़ा रुकने की वजह से काफ़ी परिवार इससे प्रभावित। क्या उम्मीदें हैं अभी इतने सालों से आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उम्मीद है अभी? अभी हमको माड़ा ने जो काम चालू किया माड़ा हमको सोसाइटी किसी को भी मतलब कुछ पूछते नहीं क्या कर रहे, काम कभी तक करेंगे पूरा, कौन सी क्वालिटी यूज करे कुछ भी नहीं बता रहे, सिर्फ काम कर रहे चालू ना। माड़ा किसी रहवासियों को अंदर जाने देते, जाएंगे तो डायरेक्ट बदन पे आते कि नहीं तुम अंदर आने का, किसके लिए बना रहे, क्या बना रहे, कैसा। कब से माड़ा ने ये काम शुरू किया है? लगातार अभी 1 महीना हो गया काम चालू हो गया, लेकिन जिस तरीके से काम चालू होना चाहिए उतने तो नहीं, गिन चुन के 100-150 आदमी रह गए काम करने वाले। तो ये पत्राचल का पूरा मामला, ये वो लोग हैं जो पीड़ित हैं और ये वो सोसाइटी, ये जो बिल्डिंग्स आप अधूरी बनी देख रहे हैं ये वो बिल्डिंगें हैं जिसमें लोगों के घर के सपने सालों से दफन हैं। उन्हें उम्मीद है, पत्राचल का मामला जो है सालों से शुरू हुआ, इसमें जो है ईडी कंप्लेन हुई, ईडी ने कार्रवाइयाँ की लेकिन अभी 1 महीने से पहले, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 1 महीना पहले से माड़ा ने इसमें काम शुरू किया है लेकिन किस तरह से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, किस क्वालिटी का काम हो रहा है, जो लोग वहाँ रहने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।